कर्फ्यू में भी आज थोड़े समय के लिए ढील दी गई है ताकि लोग अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं, दवाई, दूध इत्यादि खरीद सकें और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के जो अफवाह हैं उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरीके के जो लोग भड़काऊ भाषण या जो माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं उस पे भी नज़र रखी जा रही है। मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कई अधिकारी नूह में और अन्य जगहों पर कैंप कर रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एडीजी साउथ रेंज हैं, आईजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, डीआईजी एसटीएफ हैं, कई डिस्ट्रिक्ट एसपीज भी कुछ हमने बुलाए थे और वो सब लगातार अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं, लगातार जो है स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जाएगा। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का कोई जो है इस तरीके का अवसर नहीं दिया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नूह में है, नूह में 41 FIR है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है और जो संदिग्ध पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने पेन इंडिया पे आज प्रोटेस्ट की बात की, उसको लेके पूरे हरियाणा की मैं बात करूँ, किस तरीके के इंतजाम है पुलिस के? सभी जगह हम लोगों ने सख्त हिदायत दी है जैसे भी ये कॉल हुआ। इसके अलावा भी चूँकि इस तरह की घटना है उसकी प्रतिक्रिया होती है तो उसके बारे में लगातार हम जो है सचेत हैं और सबको, सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस को, रेंज आईजीज को, एडीजीज को, डीसीपीज को ये सख्त हिदायत है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखें, जो संवेदनशील इलाके हैं उन पे पुलिस प्रेजेंस रखें और कोई भी उपद्रवकारी है या कोई भी शरारती तत्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त तरीके से निपटा जाए। सर, पुलिस के कुछ जवान थे जिनको चोट लगी थी इस पूरे मामले में और अब किस तरीके के हालात उनके, कितने लोगों को लगी थी इसमें चोट और बुलेट इंजरी कितने लोगों को, ये हरियाणा पुलिस की बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि जैसे आपको पता है हमारे दो जो है होमगार्ड के जवान वो शहीद हुए थे, उनके वो जो है ड्यूटी पे उन्हें चोट लगी थी, उनकी मृत्यु हुई है, उनको विभाग जो है अपने तरफ से श्रद्धांजलि भी देता है और उनको आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इसके अलावा करीब 19-20 और पुलिस के मुलाजिमों को ड्यूटी के दौरान चोटें लगी थी, उनमें से ज़्यादातर ठीक हैं, कुछ एक अभी उपचाराधीन है, मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगे। Z News.